इसके बाद वे उस घोर गर्भ में अच्युत होकर पुनः संसार चक्र में पड़ जाते हैं। यहाँ भी वे एक दूसरे की हिंसा करते हुए पाप कर्मों के ही संचय में लगे रहते हैं। इस प्रकार दुखों से भरे हुए महाघोर संसार में वे अज्ञानवश सदा नाना प्रकार के पाप कर्म में ही किया करते हैं। संसार की ये महत्ता बंधनकारी प्रभाव सभी प्राणियों में विस्तार पूर्वक व्याप्त है। शास्त्रों के प्रहार से तथा और भी बहुत से लौकिक उपायों द्वारा संसार का उच्छेद नहीं किया जा सकता। ओछी बुद्धि वाले देह आत्मवादी मनुष्य इस संसार में विरक्त नहीं होते हैं। वह सोचते हैं कि मैं इस नरेश का वध करके इससे ये धन हर लूंगा, इस धन को चुरा कर घर ले जाऊंगा और उसे उपभोग में लाऊंगा। ये शांत और दुर्बल है और मैं बलवान हूँ, मैं इसे डांट फटकार कर इसका धन हर लूंगा। नी चिंताओं में व्यग्र हुए मूर्ख मनुष्य दूसरे प्राणियों को पीड़ा देने का यंत्र करते रहते हैं। दुख के मूल कारण इस संसार रूपी रोग को सदा के लिए सब प्रकार से मिटाने के नियमित एकमात्र उत्तम औषधि शंख चक्र और गदा धारण करने वाले आदिदेव पुराण पुरुष तथा ब्रह्मवेताओं के आत्मा भगवान श्री हरि ही हैं। अतः हम लोग सर्वथा संपूर्ण प्रयत्न करके श्री हरि का दर्शन करेंगे। इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों पिशाच भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्री कृष्ण का कैलाश यात्रा विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। 80वां अध्याय घंटा कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का एक दूसरे को अपना परिचय देना तथा घंटा कर्ण द्वारा भगवान विष्णु का अस्तावन एवं समाधि लाभ। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर उन भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों महाभयंकर मांस भक्षी पिशाचों की ओर देखा जो हाथ में विशाल मशाल लिए हुए वहां आए हुए थे। उन दोनों पिशाचों ने भी सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए लोकेश्वर के भी ईश्वर देव की नंदन श्री कृष्ण को देखा। उन्हें देखकर वह दोनों पिशाच उन केशों के निकट गए और उन्हें अपने बीच में करके उनसे इस प्रकार बोले, हे मानव प्रवर, आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? कहां से आपका यहां शुभ आगमन हुआ है? वन पशुओं से भरे हुए इस घोर वन में आप किस लिए आए हैं? ये वन मनुष्यों से रहित, चीतों से आवृत, पिशाचों से सेवित, हिंसक जंतुओं का निवास स्थान तथा व्याघ्रों से भरा हुआ है। इसमें आप क्यों आए हैं? आप बड़े सुकुमार प्रतीत होते हैं। आपका प्रत्येक अंग अनिग्ध सौंदर्य से संपन्न है। आप साक्षात दूसरे विष्णु के समान जान पड़ते हैं। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के सादृश्य सुंदर एवं विशाल है। आपकी अंग कांति श्याम है। आप नील कमल के समान प्रकाशित होते हैं और साक्षात श्रीपति से प्रतीत होते हैं। मानो हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाले साक्षात भगवान विष्णु दूसरा रूप धारण करके आपके रूप में यहाँ पधारे हैं। आप देवता हैं या यक्ष, गंधर्व हैं या किन्नर, इंद्र हैं या कुबेर, अथवा यम हैं या वरुण, जो इस भयंकर वन में मन को ध्यान अस्त शा करके अकेले बैठे हैं। दूसरों को मान देने वाले हे मानो, आप ठीक ठीक बताइए, मैं यथार्थ रूप से आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उन दोनों पिशाचों के इस प्रकार पूछने पर महान डगवाले भगवान विष्णु बोले, मैं क्षत्रिय हूँ, प्राकृत मनुष्य मुझे ऐसा ही कहते हैं और जानते हैं। यदु कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए क्षत्रियोचित कर्म का अनुष्ठान करता हूँ। मैं तीनों लोकों का पालक हूँ तथा सदा ही दुष्टों पर शासन करने वाला हूँ। इस समय भगवान उमापति देव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना चाहता हूँ।
मेरा यही वृत्तांत है। अब अपना परिचय दो, तुम दोनों कौन हो? ये तो ब्राह्मण का आश्रम है, यहाँ तुम किस लिए आए हो? ये महान पुण्यमय स्थान है, इसे बद्री कहते हैं। बहुत से ब्राह्मण यहाँ वास करते हैं। क्षुद्र स्वभाव वाले दुष्टों ने कभी इस भूमि में स्थान नहीं पाया है। सिद्ध पुरुषों ने सदा इसका सेवन किया है। तपस्या में लगे हुए तपस्वी यहाँ सब ओर निवास करते हैं। जहाँ आज की तरह झुंड के झुंड कुत्ते भी नहीं देखे गए हैं और न ठीक कभी मांस भक्षी पिशाचों का ही दर्शन हुआ है। यहाँ मृगों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी मृगाया नहीं होती है। जो क्षुद्र स्वभाव वाले कीर्तघन और नास्तिक मनुष्य हैं, उन्हें इस तीर्थ में कदाप प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं इस देश का रक्षक हूँ, इसमें संशय नहीं है। यदि किसी के द्वारा मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मैं यंत्र पूर्वक उसका शासन करूँगा। तुम दोनों कौन हो, कहाँ रहते हो? ये विशाल सेना किसकी है? इससे आगे इस वन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऋषि रहते हैं। उन तपस्वी ऋषियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। सब लोग यहीं ठहर जाएं और सुखपूर्वक बातें करें, अन्यथा मैं वाणी द्वारा तथा बल द्वारा भी रोकूंगा। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर उन दोनों पिशाचों ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। उन दोनों में से एक पिशाच बड़ा भयंकर और विशाल भुजाओं से युक्त था। उसके हृदय में जैसी बात थी उसी को वहां सुनाने लगा। पिशाच बोला, बहुत अच्छा, बताता हूँ, सुनिए और अपने चित्त को एकाग्र कर लीजिए। मैं पहले आदिदेव अजन्मा सर्वश्रेष्ठ निष्पाप पवित्र पापहारी जगदीश्वर विश्वपालक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके अपना सारा वृत्तांत आपको ठीक ठीक बताऊंगा। यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं घंटा कर्ण नाम से प्रसिद्ध पिशाच हूँ। मेरी दृष्टि बड़ी भयंकर है। मैं मांस भक्षी वृत्तांग घोर तथा साक्षात दूसरे काल के समान प्राणियों का हिंसक हूँ। भगवान शंकर के सखा साक्षात कुबेर का मैं अनुचर हूँ। ये मेरा सगा छोटा भाई है, जो काल का भी काल है। ये जो बड़ा भारी शिकार खेला जा रहा है, इसका उद्देश्य है भगवान विष्णु की पूजा। ये सेना मेरी है और ये कुत्तों का झुंड भी मेरा ही है। मैं भूतों से सेवित महापर्वत कैलाश से यहाँ आया हूँ। पिशाच वेश से घिरा हुआ पापकर्मी हूँ। पहले मैं सदा विष्णु की निंदा करता था और कानों में घंटा बांधकर घूमता था कि कहीं मेरे इन कर्ण कुहरों से विष्णु का नाम ना प्रविष्ट हो जाए। मुझे सदा इसी की चिंता बनी रहती थी। एक दिन कैलाशवासी भगवान शंकर के पास पहुंचकर मैंने महादेव शिव की आराधना की और तभी से मैं निरंतर उनके अस्तावन में लगा रहा। इससे प्रसन्न हो भगवान शंकर ने मुझसे कहा, तुम कोई वर मांगो। तब मैंने महादेव जी के समीप मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुक्ति के लिए प्रार्थना करते देख भगवान त्रिलोचन फिर मुझसे बोले, सबके लिए मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः तुम बद्री तीर्थ में जाकर वहाँ नर नारायण के आश्रम में श्री जनार्दन की आराधना करके उन्हीं गोविंद देव से मोक्ष प्राप्त करो। देवा आदि देव शूलधारी शिव के ऐसा कहने पर मैंने गरुड़ ध्वज गोविंद के महत्व को समझा और उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ मानकर उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से मैं इस देश में आया हूँ। यदि तुम्हें कौतूहल हो तो मेरे दूसरे कार्य को भी सुनो। पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारवती नाम से प्रसिद्ध एक पुरी है, जिसमें यदु एवं वृष वंश के लोग रहते हैं।
वो पूरी समुद्र की लहरों से व्याप्त है, उसी में इस समय पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि निवास करते हैं। हे मात्सर, लोकहित के लिए द्वारकापुरी में निवास करने वाले उन भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से हम इन अनुचरों के साथ इस समय निकले हैं। आज हमें साक्षात सर्वेश्वर श्री विष्णु का दर्शन करना है। वह श्री हरि ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के कारण पालक, कर्ता, हर्ता, जगदीश्वर, सबके आदि पुरुष, उदम स्थान और बीज हैं। जो श्री हरि समस्त जगत के कर्ता, पुराण पुरुष, प्रभुओं के भी प्रभु और सत्सर स्वरूप हैं, उन आदिदेव वरदायक यम वरेड भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उगत हैं। जिनके कृपा प्रसाद से प्राणियों, गंधर्वों और बड़े बड़े नागों के समुदाय से युक्त ये जगत इस रूप में प्रकट हुआ था, उन जगत की उत्पत्ति के कारणभूत अजन्मा देव जनार्दन हरि का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उगत हैं। कल्प के आरंभ में जिनके उदर से ये विश्व प्रकट होता है और कल्प के अंत में पुनः उसी में लीन हो जाता है, स्थिति काल में ये भी सारा विश्व जिन साक्षात श्री हर के ही अधीन रहता है, उन पुरुषोत्तम देव श्री हर का हम दर्शन करेंगे। जो विष्णु देव इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं तथा जो श्री हर ही इसका पालन और संहार करने वाले हैं, उन आदि पुरुष, पुरातन देवता, प्रभावशाली, अविनाशी, नित्य स्वरूप भुवनेश्वर श्री हरि का ही हम नित्य दर्शन करेंगे। वह एकमात्र श्री हरि ही अजन्मा ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के रक्षक और भूतल के निर्माता हैं। योग से विशुद्ध बुद्ध वाले उन परमेश्वर को हम लोग ध्यान योग की साधना करके प्राप्त करेंगे। हमारी चित्त वृत्ति उन्हीं से व्याप्त है। जगत के पालक और तीनों लोकों के निवास स्थान श्री हरि प्रलय काल में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर निगल कर साक्षात शिशु भाव को प्राप्त हो अक्षय वट के पत्र पर दोनों पैर फेंकते और हाथ हिलाते हुए शयन करते हैं। जिनके उदर में प्रवेश करके पुरातन देवीर्ष मार्कंडेय मुनि ने उन्हीं की माया से इन संपूर्ण लोकों का दर्शन किया था, उस समय वहां ये सारा महान विश्व यथावत रूप से उसी प्रकार स्थित था जैसे कि पहले उनके उदर से बाहर अनुभव में आया था। पूर्व काल में इस संपूर्ण जगत को अपने भीतर लीन करके वह महात्मा पुरुषोत्तम एकावर्ण के जल प्रवाह में शयन करते थे और देवी लक्ष्मी हाथ से चमर डुलाती हुई उनकी सेवा कर रही थी। जगत की सृष्टि के प्रारंभ काल में जिन भगवान की नाभि से सुवर्ण के समान कांतिमान एक विशाल कमल प्रकट हुआ जो अपने दलों के साथ सुशोभित होता है, वो विस्तृत कमल ही लोक गुरु ब्रह्मा जी का जन्म स्थान था। जिन महान भूत विष्णु ने आदिकाल में मुनियों द्वारा प्रशंसित विग्रह वाले वराह रूप होकर महान मेघ के समान गर्जना करते हुए अपनी दाढ़ के अग्रभाग और पृथ्वी के मूल भाग को स्थापित करके उसे जल से ऊपर उठाया था, जो पुराण पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि समस्त जगत के कर्ता, साक्षी, यज्ञ रूप यम यज्ञ के अधिपति हैं और समस्त जगत का पालन करते हैं, उन्हीं परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम उगत हुए हैं। कोई आराधक उन विष्णु देव का इंद्र आदि अनेक देवताओं के रूप में वर्णन करते हैं और कोई उपासक इन पुराण पुरुष का एक रूप में ही चिंतन करते हैं। वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित विशुद्ध आदैत्य सत्ता से युक्त उन परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम लोग उगत हुए हैं। एक श्रेणी के विद्वान श्रुति, स्मृति और न्याय के अपने चित्त को लगाए रखकर जिन परमेश्वर का अनेक रूपों में अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं तथा पुराण वेता पुरुष उन्हें सबका आत्मा और अजन्मा बताते हैं, उन्हीं सर्वेश्वर का दर्शन करने के लिए हम उगत हुए हैं। जिन्हें प्राचीन मुनि स्तुति करने के योग्य वरदायक वरडे और परम तत्व रूप बताते हैं,
साथ ही जिन्हें सर्वव्यापी और अजन्मा कहते हैं, उन्हीं जनार्दन देव श्री हरि का दर्शन करने के लिए हम लोग इस समय उगत हुए हैं। आदिकाल में जिन सूत्र स्वरूप जगदीश्वर में ये संपूर्ण जगत मन के ही भांति पिरोया गया है, उन्हीं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए हम उगत हुए हैं। अब इस समय और क्या कहें। हे मात्सर, अब हम अनंतर जाते हैं, तुम भी इच्छा अनुसार और कहीं जा सकते हो। हमारे नित्य नियम का भी समय आ गया है, क्योंकि आधी रात हो गई है। अतः इस समय तुम इच्छा अनुसार जहाँ चाहो चले जाओ। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस विकराल मुख वाले घोर रूपधारी विषक्षण पिशाच ने उसी समतल प्रदेश में बहुत सा रक्त पीकर इच्छा अनुसार मांस राशि का भक्षण किया। तत्पश्चात जल का आचमन करके वहीं पावर्स भाग में अपनी साधन सामग्री रख दी और अतिड़ियां का भयंकर विशाल पास भी वहीं बगल में डाल दिया। इसके बाद कुशयुक्त आसन बिछाकर उसकी शुद्धि के लिए जल छिड़का और अपने सभी कुत्तों को बड़े प्रयत्न से दूर हटाया। तदनंतर सुखासन पर बैठकर वो कुत्ता पालक पिशाच समाधि के लिए यंत्र करने लगा। उस समय वो भयानक पिशाच एकचित होकर भगवत वर्ष भगवान केशव को नमस्कार करके इस मंत्रमय स्त्रोत्र का पाठ करने लगा। उन चक्रधारी भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सबके भीतर निवास करने वाले देवता आप बुद्धिमान गदाधर को नमस्कार है। प्रभावशाली सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन नारायण देव को नमस्कार है। हे केशव, आपके कीर्तन से मेरे मन की शुद्धि हो जाए। इंद्रियों की नियंता हे नारायण, अब पुनः मुझे ऐसा दुखप्रद भयंकर जन्म न प्राप्त हो। मैं आपके स्मरण से देवदूत हो जाऊं। हे प्रभु, आपके चक्र के प्रहार से मेरा ये शरीर नष्ट हो जाए और फिर मुझे ये संसार बंधन प्राप्त ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष है, सदा आपके दाता हैं। हे देवोशर, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ वहाँ आप मेरे हृदय में विराजमान रहें, यही मेरी दूसरी प्रार्थना है। हे देव, आपको नमस्कार है। हे देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मेरी प्रार्थना सदा निर्विघ्न चलती रहे। हे देव, आपको सदा ही मेरा नमस्कार है। जब मेरा मरण काल उपस्थित हो उस समय मेरी स्मरण शक्ति में भ्रम न उत्पन्न हो, मैं उस समय भी आपका ही स्मरण करता रहूं। हे देव, प्रतिदिन और प्रतिक्षण मेरा चित्त आप में ही स्थिर रहे। आप मुझे ऐसी ही प्रेरणा देते रहें। आपके चित्त में कभी ऐसा भाव ना आए कि ये क्रूर है, ये पिशाच है, इस पर क्या दया हो सकती है। हे प्रभु, हे देव, आप तो ऐसा ही विचार करें कि ये बेचारा मेरा सेवक है। हे भगवान, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे द्वारा दूसरों को पीड़ा ना पहुँचे तथा अब मेरी इंद्रियां विषयों में ना फंसे। हे केशव, अंतकाल में आपकी कृपा से मेरी भी ऐसी स्थिति हो, पृथ्वी मेरी घृण इंद्रियों को ग्रहण करे, जल मेरी रसने इंद्रियों को अपना ले, सूर्य मेरी नेत्र इंद्रियों को तथा वायु मेरी त्वचा अपने में संयुक्त कर ले, इसी तरह आकाश भी मेरी श्रवण इंद्रियों को अपने में मिला ले तथा प्राण मेरे मन से संयुक्त हो। हे हरे, सदा जल मेरी रक्षा करे, पृथ्वी भी रक्षा करे, हे विष्णु सूर्य देव मेरी रक्षा करें।